गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंग्रेजी के दूसरे टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्फैटिक। इम्फैटिक मतलब होता क्या है? जोरदार। सबसे पहले आपको आज अंग्रेजी के इम्फैटिक वर्ड पढ़ाने जा रहे हैं कि इसका मतलब होता है जोरदार। तो इम्फैटिक को हम लोग किस प्रकार से वर्णन करेंगे कि मेल भर यानी बात में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब। तो बात में एक ही वर्ब ऐसे प्रधान क्रिया किसको कहेंगे? बात में एक ही सबसे लास्ट में आएगा वो कहलाएगा प्रधान क्रिया, और बाकी उसके जितना भी वर्ब रहेंगे सब सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहेंगे, या हेल्पिंग वर्ब ही इज एम आर क्यों ना, अगर अकेले आ जाता है तो वह भी प्रधान रहता, तो उसके साथ हम लोग का प्रयोग नहीं करना है बल्कि मेन वर्ब के साथ। जैसे हम लोग का है कि पहले इम्फैटिक कहेंगे किसको, तब प्रधान क्रिया के पहले डू डज डिड का प्रयोग होना ही इम्फैटिक कहलाता है। रूल नंबर वन, यदि वाक्य का बनाव आप लोगों ने टेंस की जानकारी है या नहीं, पर ये आधारित प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसी पर आपका इम्फैटिक है। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम टेंस का भी वीडियो आपके सामने बनाएंगे, उसमें भी ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। यदि वाक्य का बनावट इम्फैटिक का हम लोग इम्फैटिक ये नॉन इम्फैटिक से हम लोग बना रहे हैं इम्फैटिक, यानी नॉन इम्फैटिक में डू डज डिड का प्रयोग नहीं रहता, उसको डू डज डिड का प्रयोग करना इम्फैटिक कहलाता है। तो यदि वाक्य का बनावट सब्जेक्ट होना चाहिए, एमवी वन होना चाहिए, एमवी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इम्फैटिक इस प्रकार से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर में याद रखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आपका मिल रहा। अब ये समझना है कि भीवन क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रिया के मूल रूप को भीवन कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को भीवन कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप उड़ता है वही भीवन होता है। भी का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस या IES होना ही V5 कहलाता है, V5 करो। तो यानी कि बनाना है जो बात रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेंगे उस सब्जेक्ट को ही देना है, ठीक ना। याद रखना है कि हम लोग को किस प्रकार से जो सब्जेक्ट रहेंगे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट उतार देंगे, MV1 के लिए डू देंगे, MV5 के लिए डज देंगे, और उसके बाद याद रहे V1 देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जो है यहाँ पर बनाने के इम्फैटिक का नॉन इम्फैटिक सब इम्फैटिक बना रहे हैं, यहाँ देखना है कि जो सब्जेक्ट रहेंगे सब्जेक्ट देंगे, और यहाँ पर भीवन है, देखिए क्रिया के मूल रूप को भीवन कहेंगे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? डू, और फिर भीवन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर में, तो भीवन में यहाँ पर है, तो फिर लगा देंगे इट, और जो करते हैं उतार देंगे क्या, ए मैंगो। ये पहला समझ में आ गया होगा। देखिए फिर दूसरा, सब्जेक्ट है अभी भी फाइव है, सब्जेक्ट है भी फाइव है अभी ऑब्जेक्ट, पर ये है वर्ब, तो जो सब्जेक्ट रहेंगे सब्जेक्ट दे देंगे से, और यहाँ यहाँ भी वन के लिए है, यहाँ भी फाइव है, तो भी फाइव के लिए हमने अभी बताया कि क्या लगेगा डर, हमने बताया था पहचान में कि एस या एस या आई एस है, तो ये देखिए एस लगा हुआ कि भी फाइव है, तो यहाँ पर हो जाएंगे डज, ए डच सिंग, ए सॉन्ग। ये आपका रूल नंबर वन हो गया। देखिए रूल नंबर टू को हम किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। रूल नंबर टू को तैयार, पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर होगा इसमें भी, तो सब्जेक्ट MV2 प्लस सब्जेक्ट, बनाने वक्त सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखेंगे, MV2 देखेंगे, जैसे डिड लगा देंगे, फिर याद रहे MV1 देना नहीं भूलेंगे, और ऑब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट MV2 ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम बनाने वक्त सब्जेक्ट देंगे और आपका MV2 के लिए डिड देंगे, और उसके बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए दिया हुआ, तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को उतार देंगे, MV2 है, तो इसको क्या कर देंगे ना, आपको लगा देंगे डिड, MV1 में चेंज कर देंगे, तो कौची प्ले और क्रिकेट, ये आपका हो गया रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री, यदि वाक्य का बनावट सब्जेक्ट होना चाहिए, हैव होना चाहिए या हैज होना चाहिए या हैड, और प्लस अदर वर्ड होना चाहिए,
तो हम बनाते वक्त क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट देंगे, हैव के लिए डू देंगे, हैज के लिए डल देंगे, हैड के लिए डिड देंगे, और उसके बाद याद रहे हैव देना नहीं भूलेंगे प्लस अदर वर्ब। जैसे हमने तीन एग्जांपल आपको सामने दे रखे हैं कि जो सब्जेक्ट है आई और हैव के लिए हम लोग लगा देंगे डू, उसके बाद लगा देंगे हैव ए पेन। हमने अभी याद दिलाए हैं कि आपका वाक्य में हैव रहेगा तो डू लगाएंगे, हैज रहेगा तो डज लगाएंगे, हैड रहेगा तो डिड, देना नहीं भूलेंगे ये है। फिर यहां देखिए सी हैज है तो हैज में क्या लगेगा, डज लगेगा, हैज में क्या लगेगा, डज लगेगा, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट देंगे और यहाँ हैज के लगे हम लोग डज देंगे, और उसके बाद हैव ए का, इस प्रकार से हम लोग वर्णन करेंगे। फिर यहां सब्जेक्ट आई, हाइट के लगे क्या देंगे, डिड, अभी बताए थे हाइट के लिए डिड देंगे, और उसके बाद हैव ए बुक। चलिए फिर अगला नियम, एक दो नियम और है और इस प्रकार से दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। देखिए रूल नंबर चौथा की बात करते हैं, आप याद रखिएगा, बड़ी इंटरटेनमेंट वाली है। आंखियों से गोली मारे एक गाना हम लोग आया था, उसी गाने पर आज इंफेटिव का चौथा रूल बताने जा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों ने समझते होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में जैसे क्या क्या रहता है, हेल्प द पुअर, स्विच ऑफ द फैन, काइंडली पोस्ट द लेटर, प्लीज हेल्प मी, और भी ऐसे तो कम हेयर गो देयर, इस प्रकार से हर कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का ये बात है। और इंपरेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए इंफेटिक, नॉन इंफेटिक से इंफेटिकल बात बनाने के लिए बहुत आसान है, एकदम जितना दाल भात का कोर खाना आसान है उतना आसान हम लोग आपका यह इंफेटिक का रोल चौथा बनाना आसान है। जैसे हम लोग आप लोग एक बात आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से, तो यहाँ देखना होगा जैसी रहता है कि हमने क्या लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस में एमवी वन के पहले डू लगा कर, तो यही है अखियों से गोली मारे का मतलब एमवी वन खोजना है, पूरे बात में कहाँ खोजना है एमवी वन, एमवी वन मतलब हेल्प माने हो गया सहायता करना, जैसे अंतिम में आ गया ना हो गया भर, तो यहाँ जैसी है तो इसके हम आगे लगा देंगे डू हेल्प द पुअर, बड़ी आसान है। देखिए हेल्प द पुअर, यहाँ हेल्प मैंने हो गया सहायता करना, स्विच ऑफ मैंने होता है बंद करना, स्विच ऑफ मैंने होता है, स्विच ऑफ मैंने होता है बंद करना, तो यहां आगे लगा देंगे डू स्विच, स्विच ऑफ द फैन, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में याद रहे यहां पर बनाने के लिए क्या लिखा हुआ काइंडली, इन्हीं के कर आगे लगा देना, कि सब सर आगे लगा रखे ना तो तुम आगे लगा देना, यहाँ पोस्ट मैंने होता है भेजना तो अभी यहां पर लगेगा, तो क्या लिखेंगे काइंडली डू पोस्ट द लेटर, इस प्रकार से बात करेंगे बाप। फिर आते हैं प्लीज, यहाँ प्लीज है तो ये नहीं होगा हेल्प मैंने हो गया सहायता करना, तो इसके आगे लगा देंगे तो होगा प्लीज डू हेल्प आपका मी, इस प्रकार से ये बन गया आपका। याद रखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में एमवी वन के पहले डू लगाएंगे वो इंफेटिकल वाक हो जाए, नॉन इंफेटिकल वाक के आगे डू लगाकर याद रहे एमवी वन, फिर आपका सबसे लास्ट इसे में आपका इंफेटिक समाप्त होने जा रहा है। देखिए क्या है भूल चुक माफ लिखा हुआ, भूल चुक माफ, कोई बच्चा है कि आई इसको रीड पढ़ेगा बाबू, तो आई इसे कोई रेड पढ़ेगा मित्र, इस प्रकार से वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ तो रेड से लिखा हुआ है, काय के भर में एस लगा हुआ है, तो देखिए बनाने के लिए अगर हम इसको रीड पढ़ रहे हैं तब बनाएंगे आई, तब भीवन ना हो गया, तब भीवन में क्या लगाते थे पहला रूल नंबर पहला में चल जाएंगे तो डू, और फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ रेड हो गया, और यहाँ बनाने वक्त आई रेड है यानी भी टू है हुआ एमवी टू, तो यहाँ पर देखना है डेड, अब यहाँ याद रखेंगे ये हो गया रेड, और ये तो आप जानवे करते हैं से, तो भर में यहाँ पर क्या है बाबू यहाँ पर एमवी फाइव है, तो एमवी फाइव में एस यही रहा है, तो हम लोग क्या लगाते थे जज रेड, ये देखिए यही था आपका। आपको अगर इसका वर्क प्रैक्टिस करना है तो बड़ी आसान है, आप वही सब फिर से बता रहे हैं,
कि हमारे आपका टेलीग्राम ऐप्स पर जाना है, इसका प्रैक्टिस सेट आपका डाला हुआ है, उससे जहां पर इसे उठा लेना और वहीं से पूरा बना लेना है। आपका टेलीग्राम ऐप्स पर जाकर राज इंग्लिश क्लासेस सर्च करना है, RAJYA। पहले जाकर कैसे करना है, कहां से मिलेगा इसका पूरा नोट्स आपका आसानी जब सिखाएं, इसका प्रैक्टिस करना भी बहुत उचित है बाबू। तो करना है, जाना है सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर पर और फिर वहां से स्टार्ट करना है टेलीग्राम ऐप्स। टेलीग्राम ऐप्स को इंस्टॉल करना है और वहां पर लिखना है RAJYA, राज इंग्लिश क्लासेज, और यहां पर इस आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे प्रैक्टिस का।